आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ शहर दुर्ग के बैनर तले दुर्ग राजीव भवन में आदिवासी कार्यकर्ता संघ गोठवाद को लेकर आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर, निगम सभापति सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ शहर दुर्ग के बैनर तले दुर्ग के राजीव भवन में आदिवासी कार्यकर्ता संघ गोठवाद को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, सभापति राजेश यादव, MIC प्रभारी हमीद खोकर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि आदिवासी समाज के हित में समाज के लोगों के बीच समाज से जुड़ी समस्या व जानकारी देने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवक व युवतियों को मंच में अपनी बातें रख समाज के प्रति जागरूक रहने व रखने को बताया गया। साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई, जिसका आए हुए अतिथियों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने का रास्ता बताया। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज आदिवासी कार्यकर्ता गोठ में जो बातें हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात हुई है, और हम सब ने ये कहा है कि आदिवासी समाज की जो सभ्यता और संस्कृति है वो छत्तीसगढ़ की धरोहर है, और उसी संस्कृति पर पूरा प्रदेश साथ चल रहा है। सद्भावना, भाईचारा और एकता की भावना पर जो हम लोग मुहर लगाते हैं, ये हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति और सभी समाज इसमें मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। आज जो चर्चा हुई है उसमें शासन की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, अब जब योजनाएं बनाई हैं तो उसका लाभ हर आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए। पत्र की बात आई है, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, जैसा कि अब नगर निगम के MIC में जाएगा, उसके बाद उसको स्वीकृति मिलेगी। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।